रंगोली किचन में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। आजकल हर तरफ जो है मटन गोश्त का सीज़न चल रहा है। आज हम आपको मटन कोरमा बनाना बताएंगे और उसमें तकरीबन मैंने लिया है 1 किलो मटन का गोश्त, 1 किलो प्याज जो कटी हुई है, 1/2 किलो दही, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, नमक, अदरक लहसुन पिसा हुआ, शान का कोरमा मसाला और ऑयल। मैंने मटन को जो है वो बॉईल कर लिया है और मैंने इसमें 1 चम्मच बॉईल करते हुए नमक भी डाला था। चलें आएं कोरमा स्टार्ट करते हैं। 1 प्याली तकरीबन मैं उसमें ऑयल ले रही हूँ। प्याज लाल होने के लिए रख देते हैं, जैसे ही लाल होगी आपको बताते हैं। चलें दोस्तों, प्याज लाल हो चुकी है हमारी, देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। प्याज को हम निकाल लेंगे प्लेट में और ग्लैंड कर लेंगे दही के साथ। बहुत झटपट और बहुत आसान और बहुत लजीज कोरमा बना रहे हैं हम लोग। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल के गोश्त भून लेंगे अच्छे से। 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन के डालते हैं। पिसा हुआ अदरक लहसुन है, मटन गोश्त है, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसमें पानी डाल देंगे, 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मैं इसे थोड़ा मोटा मोटा रखूंगी। चलें ये हो गया है। अब हम इसमें शान का मसाला डाल रहे हैं। पूरा पैकेट हम डाल देंगे। बहुत झटपट बन जाता है, बहुत जल्दी वो जो है उसमें डाल देंगे गोश्त में। ये प्याज और दही है मैंने मिक्स कर लिया है, अब हम इसको गोश्त में डाल देंगे मसाला भून के। मिक्स करेंगे इसको और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें दोस्तों, ये हमारा कोरमा माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ये देखें आप, इतना ज़बरदस्त कलर आया है रंगोली किचन के खानों की तरह। अब हम इसमें जो है थोड़ी सी ब्लैक पेपर, इसको चटपटा करने के लिए तकरीबन 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई अदरक, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो है इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ये खाने में भी बहुत लजीज बना है दोस्तों, माशाल्लाह से। चलें दोस्तों, हमने कोरमे को डिश आउट कर लिया है जो बहुत इजी बहुत मज़ेदार बना है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसको झटपट बनाइएगा, अपने घर में चपाती और रोटी के साथ सर्व करिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।